हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सेल्डन का बॉडी वर्गीकरण, यानी बॉडी टाइप, जो आपके फिजिकल एजुकेशन के किसी भी एग्जाम के लिए सेल्डन का बॉडी टाइप वर्गीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनके बॉडी टाइप को सोमेटो टाइप भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं सेल्डन का बॉडी टाइप क्या है, इन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो विलियम एच सेल्डन का जन्म 1898 में हुआ था एंड इनकी मृत्यु 1977 में हुआ था। इन्होंने सोमेटो टाइप के आधार पर, यानी कि शरीर का आकार, ढांचा तथा बॉडी कंपोजिशन के आधार पर मानव शरीर के बॉडी टाइप को तीन भागों में डिवाइड किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक एंड एक्टोमोर्फिक। सबसे पहले बात करेंगे पहला एंडोमोर्फिक की। एंडोमोर्फिक, जैसा कि इसको अंतस्थ अवयव, स्थूलता या गोलकाय कहा जाता है, इसको विस्रोटोनिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्रोटोनिक भी, क्योंकि इसमें साधारण क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि विस्रोटोनिक किस बॉडी टाइप को कहते हैं। तो एंडोमोर्फिक को, सेल्डन के एंडोमोर्फिक को विस्रोटोनिक के नाम से भी जाना जाता है। अन्य उपनाम इसका विस्रोटोनिक है, ठीक है। तो ये इनका पहला बॉडी टाइप है एंडोमोर्फिक, जिसको गोलकाय भी कहते हैं, स्थूलता भी कहते हैं, अंतस्थ अवयव भी कहते हैं। इतना याद रखने की आप जरूरत नहीं है, आपको इंग्लिश वर्जन एंडोमोर्फिक और विस्रोटोनिक याद करना अति आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि इंडोमोर्फिक का उपनाम क्या है, तो विस्रोटोनिक, ठीक है। इसको सोमेटोटाइप स्केल 7-1-1 से प्रदर्शित किया जाता है। इसी वीडियो में आगे चल के मैं सोमेटोटाइप के बारे में समझाऊंगी, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, सब समझ में आ जाएगा। एक भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं हुआ जो समझ में नहीं आएगा, बस देखते रहिए। तो इसको 7-1-1, सोमेटोटाइप स्केल 7-1-1 से प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि इसमें 7 से तात्पर्य होता है सबसे अधिक और 1 से तात्पर्य होता है सबसे कम, तो आगे चल के इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंडोमोर्फिक की। जैसा कि कल मैंने सभी विद्वानों के अनुसार बॉडी टाइप बताया था, तो ये एंडोमोर्फिक यानी गोलकाय है, यानी कि क्रैशमर के जो तीन बॉडी टाइप हैं, पिकनिक, एथलेटिक, अस्थेनिक, उसी प्रकार सेल्डन के ने तीन बॉडी टाइप एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक बांटा है। तो मैंने आपको याद करने के आसानी के लिए मैंने बताया था कि जो सेल्डन का एंडोमोर्फिक है वो क्रैशमर और क्रैशमर का पिकनिक है, दोनों की विशेषता एक पाई जाती है, दोनों को गोलकाय शरीर में आता है। एंड जो सेल्डन का मेसोमोर्फिक है और जो क्रैशमर का एथलेटिक है यानी सुडोल का है, इन दोनों की विशेषता एक है। एंड जो सेल्डन का एक्टोमोर्फिक है और क्रैशमर का अस्थेनिक है यानी लंब का है, इन दोनों की विशेषता एक है। क्योंकि इस तरह से याद कर लीजिए, जैसे कि क्रैशमर का पिकनिक, एथलेटिक, अस्थेनिक और सेल्डन का एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक, तो सेम जो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर है, दोनों दोनों की विशेषताएं सेम है, इसलिए आपको दोनों को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस याद कर लीजिए कि किसने कितने भागों में बांटा है, ठीक है। तो सेल्डन के एंडोमोर्फिक की मैं पहले बात करूंगी, उनकी विशेषता क्या है। तो इतना तो आप जान लिए कि एंडोमोर्फिक को विस्रोटोनिक भी कहा जाता है, इसका उपनाम विस्रोटोनिक है। एक गोलकाय शरीर वाले होते हैं, जैसे कि शरीर इनका मोटा होता है, कोमल होता है, बहुत खाने की प्रवृत्ति होती है इसमें, ये आराम तलब होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, अमिलनसार होते हैं। ये तो इनकी विशेषता हो गई। अब मैं बताती हूँ कि एक किस खेल में
के लिए एलिजिबल रहते हैं, किस खेल को ये खेल सकते हैं। जैसा कि छोटे मोटे और गोलकाय शरीर वाले होते हैं, बहुत खाने की विनोद प्रिय मिलनसार होते हैं, तो ये अक्सर जैसे एजिलिटी एंड स्पीड वाले खेलों में ये अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। ये उन खेलों में जैसे कि जिसमें शक्ति का प्रयोग होता है, मुख्य रूप से ताकत का प्रयोग होता है, उन खेलों में इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पावर लिफ्टिंग हो गया, यानी वेट लिफ्टिंग, गोला फेंक हो गया, तस्तरी फेंक हो गया, सुमो कुश्ती हो गया, इन सब में ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं जिसमें ताकत की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं पूछा जाता है कि इन्होंने कितने भागों में बांटा है, सब लोग रट लेते हैं। क्योंकि इस प्रकार का पूछा जा सकता है कि एंडोमोर्फिक के लिए कौन सा खेल लाभदायक होगा, तो उसमें से आपको ओनली पावर लिफ्टिंग दे देगा, दौड़ दे देगा और कुछ दे देगा, तो उसमें से पावर लिफ्टिंग सही रहेगा। ठीक है, इसमें से जो भी पावर लिफ्टिंग, गोला फेंक, तस्तरी फेंक, सुमो कुश्ती, यानी कि जो भी शक्ति यानी ताकत से संबंधित होगा, उन खेलों के प्रदर्शन के लिए ये सकारात्मक होते हैं, लाभदायक सिद्ध होता है। तो ये किस खेलों के प्रदर्शन के लिए अच्छे होते हैं? एंडोमोर्फिक वाले, गोलकाय शरीर वाले यानी विसोटोनिक वाले, तो पावर लिफ्टिंग, गोला फेंक, तस्तरी फेंक, सुमो कुश्ती, यानी जिसमें ताकत की आवश्यकता होती है। तो आप समझ गए होंगे, अब इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा आप कभी मिस नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट है दूसरा, इन्होंने कौन सा बॉडी टाइप बताया है? मेसोमोर्फिक। ठीक है, एंडोमोर्फिक हो गया, जैसा कि आप समझ गए होंगे। दूसरा है मेसोमोर्फिक, जिसको पेशी प्रधान संरचना कहते हैं, यानी सुडोल काय जिसे बोलते हैं। ठीक है, सुडोल काय कौन होगा? जो पेशी अस्थियों से मजबूत होगा, पेशी बिल्ड होगा। ठीक है, तो मेसोमोर्फिक को पेशी प्रधान संरचना कहते हैं। ठीक है, पेशी प्रधान संरचना मेसोमोर्फिक, जहां भी मांसपेशियों के बिल्ड, मांसपेशी शब्द आए वहां पे जान लेना कि ये मेसोमोर्फिक की बात कर रहा है। सुडोल शरीर की बात आए तो वहां पे जान लेना कि मेसोमोर्फिक की बात हो रहा है। ठीक है, तो इस मेसोमोर्फिक का उपनाम क्या है? सुमेटोटोनिक। ठीक है, क्या नाम है? सुमेटोटोनिक। जैसा कि एंडोमोर्फिक का मैंने क्या बताया था? विसोटोनिक उपनाम। ठीक है, उसी प्रकार मेसोमोर्फ उपनाम है सुमेटोटोनिक। ठीक है, इसको सुमेटो टाइप के बॉडी स्केल 171 से प्रदर्शित किया जाता है, 171 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन ऑलरेडी बन जाते हैं कि मेसोमोर्फिक कैसा बॉडी टाइप है, तो पेशी प्रधान है। मेसोमोर्फिक को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? तो सोमेटोटोनिक से। ठीक है, सोमेटोटोनिक उपनाम से जाना जाता है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि मेसोमोर्फिक की विशेषताएं क्या है। इसके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, जैसे पेशी प्रधान संरचना, तो इसमें अस्थि पंजर और पेशियां जो है विकसित होती हैं, एकदम सुडोल होती हैं। यानी कि आप जान लीजिए जो मेसोमोर्फिक है ये हर एक क्षेत्र में आगे होते हैं, इनका शरीर, दिल, दौड़, मतलब जो भी विशेषताएं होते हैं सब कुछ अच्छा होता है। जैसे कि अस्थि पंजर और पेशियां मेन रूप से विकसित होती हैं। ज्यादातर परीक्षा में क्वेश्चन बस यही पूछा जाता है कि अस्थि पंजर और पेशियां विकसित होती है, वो किस बॉडी टाइप में आता है? तो मेसोमोर्फिक। ठीक है, इनका स्वास्थ्य अच्छा, बदन फुर्तीला, साहसी, उत्साही, निडर, सशक्त, अधिकारपूर्ण प्रवृत्ति, कठिनाई में अधिक सक्रिय होती है। तो क्वेश्चन ओनली उसके बॉडी विशेषता पर ज्यादा पूछा जाता है, जैसे कि जिस बॉडी टाइप में पेशियां सशक्त होती हैं, विकसित होती हैं, अस्थि पंजर विकसित होता है, उस बॉडी टाइप को क्या कहते हैं? तो मेसोमोर्फिक कहा जाता है। अगर इसे क्रेस्मर के हिसाब से पूछा जाएगा तो उनमें क्या हो जाएगा? विशेषता एथलेटिक वालों में ये विशेषता पाई जाएगी। तो हम सेल्डन की बात कर रहे हैं ना, सेल्डन में मेसोमोर्फिक में क्या है? अस्थि पंजर और पेशियां जो है वो विकसित रहती है, इनका मांसपेशी सशक्त रहता है। ठीक है, जैसे कि ये हर एक क्षेत्र में आगे होती हैं। अगर खेलों की बात करें तो ये ताकत वाले खेल में भी आगे होते हैं, चपलता यानी एजिलिटी वाले खेल में भी आगे होते हैं, चाल यानी स्पीड से संबंधित खेल के लिए भी आगे होते हैं। ठीक है, तो पेशी प्रधान जो मेसोमोर्फिक है ये हर एक क्षेत्र में आगे होते हैं। ठीक है,
अब मैं बात करूंगी तीसरे बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फिक की, जिसे लंबकाय बोला जाता है। ठीक है, एक इंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक यानी गोलकाय, सुडोलकाय, लंबकाय, क्योंकि उसके एक ही लाइन में समस्त विशेषताएं प्रदर्शित हो जा रही हैं। वो गोलकाय, सुडोलकाय, लंबकाय, तो एक्टोमॉर्फिक को लंबकाय बोला जाता है। और अस्थि प्रधान संरचना बोला जाता है, अस्थि प्रधान, जहां बोन डेंसिटी की बात आए वहां पे आप एक्टोमॉर्फिक ही लगाइएगा। ठीक है, जहां बोन डेंसिटी की बात आए, जहां अस्थि प्रधान की बात आए, जैसे एक्टोमॉर्फिक दुबले पतले होते हैं, लंबे होते हैं, उसमें मांसपेशियां ज्यादा नहीं चढ़ी हुई होती हैं, इस प्रकार की बॉडी टाइप इनकी विशेषता है। ये लंबे होते हैं, दुबले, कमजोर और सुंदर होते हैं। ठीक है, तो ये लंबे होते हैं, उसमें मांसपेशी ज्यादा नहीं दिख रही है, हड्डियां ही ज्यादा दिख रही हैं, तो ये अस्थि प्रधान संरचना कहा जाता है। इसका उपनाम जो है सेरिब्रोटोनिक है। इसका उपनाम क्या है? सेरिब्रोटोनिक। तो उपनाम को भी जरूर याद कर लीजिए। जैसा कि मैंने इंडोमॉर्फिक का उपनाम क्या बताया? बिस्ट्रोटोनिक। मेसोमॉर्फिक के उपनाम को क्या बताया? सेमोटोटोनिक। एंड एक्टोमॉर्फिक के उपनाम क्या बताया? सेरिब्रोटोनिक। ठीक है, तो इसको भी याद रखना जरूरी है। इसकी विशेषता क्या है एक्टोमॉर्फिक की? लंबा, दुबला, कमजोर, सुंदर, यानी अस्थि प्रधान, जिसमें बोन डेंसिटी ज्यादा हो। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद, जहां मसल्स की बात आए वहां मेसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, जहां स्थूल शरीर की बात आए, मोटा शरीर की बात आए, वहां एंडोमॉर्फिक होगा। जहां अस्थियां की बात आए, अस्थि प्रधान की बात आए, बोन डेंसिटी की बात आए, वहां एक्टोमॉर्फिक होगा, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, ठीक है। और एक ऐसे होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं और सामाजिक अंतर्मुखी, अपनी भावनाओं को दबाकर रखते हैं, दूसरों की सहायता लेने की अपेक्षा अपनी सीमाओं में रहने का प्रयास करते हैं। अब जान लेते हैं कि किस स्पोर्ट में आगे होते हैं ये सहनशीलता वाले खेल। सहनशीलता को किसमें होगा? जो लंबे समय की क्रियाएं होती हैं उसमें सहनशीलता यानी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस ज्यादा होता है। ठीक है, तो सहनशीलता वाले खेलों तथा जिम्नास्टिक में वर्चस्व बनाए रखते हैं, जैसे कि दौड़ हो गया, अक्सर क्या कहते हैं, दौड़ वगैरह में, सहनशीलता वाले खेलों में, जिम्नास्टिक में, ये सब आगे होते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि सहनशीलता वाले खेलों में, जिम्नास्टिक के में किस प्रकार के बॉडी टाइप अच्छा होता है? तो एक्टोमॉर्फिक, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, बस उसकी बॉडी विशेषता एंड किस खेल में वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ये दो पॉइंट जरूर पूछा जाएगा, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। सहनशीलता वाले खेलों तथा जिम्नास्टिक में वर्चस्व बनाए रखते हैं। ठीक है, जबकि एंडोमॉर्फिक वाले क्या होते हैं, वो जहाँ जिसमें शक्ति की, ताकत की ज्यादा आवश्यकता होती है, उसमें ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं, पावर लिफ्टिंग, गोला फेंक, तस्तरी फेंक, सुमो कुश्ती आदि में। और मेसोमॉर्फिक वाले तो हर एक क्षेत्र में आगे होते हैं, सुडोलकाय वाले। और एक्टोमॉर्फिक वाले सहनशीलता और खेलों में और जिम्नास्टिक में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो इसको जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, ये तो था सेल्डन के तीन बॉडी टाइप, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। दोस्तों, एक नया बॉडी टाइप आया है इसी के अंतर्गत, जिसकी खोज एफ.ए. सील्ड ने एक चौथे सोमेटो टाइप के अंतर्गत रखा है, जिसे आगे चल के मैं बताऊंगी, जिसका नाम है होमोमॉर्फिक। तो यहाँ पे हमने बात किया सर्जन के तीन बॉडी टाइप्स के बारे में, आई होप कि ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगी सोमेटो टाइप क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। सोमेटो टाइप जो है, जो विलियम सेल्डन है, अमेरिका के चिकित्सक है। ठीक है, ये अमेरिका के चिकित्सक थे। तो विलियम सेल्डन जो है, ये अमेरिका के चिकित्सक थे, इनके द्वारा 1942 में सोमेटो टाइप स्केल पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया, जिसके आधार पर इन्होंने एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक तीन बॉडी टाइप को बांटा। एंडोमॉर्फिक का स्केल 7-1-1, मेसोमॉर्फिक का स्केल 1-7-1, एक्टोमॉर्फिक का स्केल 1-1-7। ठीक है, यानी कि बस आप याद कर लीजिए कि जो 7 होगा वही खिसकता जाएगा। जैसे कि पहले स्थान पर एक्टोमॉर्फिक है, तो वहां पे 7 पहले स्थान पे है,
दूसरे स्थान पर मेसोमॉर्फिक है तो सेवन दूसरे स्थान पे है, और तीसरे स्थान पे एक्टोमॉर्फिक है तो सेवन तीसरे स्थान पे है। तो बस आप एंडोमॉर्फिक मेसोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फिक याद कर लीजिए तो इसका बॉडी सोमेटिक टाइप स्केल आराम से याद हो जाएगा। सेवन को बस खिसकाते जाइए, जैसे कि पहला स्थान एंडोमॉर्फिक के लिए 711 होगा, मेसोमॉर्फिक दूसरे स्थान पे है तो जो 7 होगा दूसरे स्थान पर होगा तो 171 हो जाएगा, और तीसरे स्थान पर एक्टोमॉर्फिक है तो इसका जो 7 होगा तीसरे स्थान पर हो जाएगा 117 हो जाएगा। ठीक है, ये याद करने के लिए मैं आसानी के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये सोमेटो टाइप तीन प्रकार के इन्होंने बताया, एंडोमॉर्फिक मेसोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फिक, एवं एक अन्य नया सोमेटो टाइप खोजा गया है एफ ए सिल द्वारा। एफ ए सिल ने चौथा सोमेटो टाइप खोजा जिसका नाम उन्होंने ओमोमॉर्फिक रखा, और ये नया खोजा गया सोमेटो टाइप है, और ये त्रिभुजाकार बॉडी भी आकार का होता है। ठीक है, और इसकी विशेषता इनके कंधे जो है चौड़े होते हैं, छाती बड़ी होती है, और नितंब और पैर जो है वो छोटे होते हैं। कंधे कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं, छाती बड़ी होती है, नितंब और पैर जो है छोटे होते हैं। तो एक नया सोमेटो टाइप खोजा गया, तो ये क्वेश्चन एक नया खोजा गया है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि एंडोमॉर्फिक मेसोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फिक के अलावा एक नया सोमेटो टाइप कौन सा खोजा गया है, तो ओमोमॉर्फिक, जिसे किसने खोजा है, एफ ए सिल्स ने चौथा सोमेटो टाइप खोजा है। एंड 21 प्रकार का होता है, त्रिभुजाकार बॉडी के रूप में भी आकार का होता है, और विशेषता क्या है कि चौड़े कंधे, बड़ी छाती, छोटे नितंब व पैर। ठीक है, नितंब यानी हिप, ठीक है पैर। तो इसी सोमेटो टाइप के आधार पर किसी भी व्यक्ति का बॉडी टाइप निकाला जा सकता है, यानी सेल्डन ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण को सोमेटो टाइप के रूप में बॉडी टाइप के लिए मूल्यांकन 1 से 7 स्केल का प्रयोग करके किया। तो 1 से तात्पर्य यहाँ पे होता है सबसे कम, 1 से तात्पर्य क्या होता है, सबसे कम, एंड 7 से तात्पर्य होता है सबसे अधिक। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि 171 का स्कोर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, 171 का स्कोर आता है तो हम क्या कहते हैं कि ये हाई मेसोमॉर्फिक है। एक दूसरे स्थान पर क्या है, मेसोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फिक मेसोमॉर्फिक एक इंडोमॉर्फिक मेसोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फिक, मैंने बताया जो जिस स्थान पर रहेगा सेवन उसी स्थान पर खिसकता जाएगा याद करने के लिए। जैसे कि पूछ देता है कि एंडोमॉर्फिक का सोमेटोटाइप स्केल क्या है, तो क्या हो जाएगा, 711। अब पूछ देगा कि मेसोमॉर्फिक का सोमेटोटाइप स्केल क्या है, तो मेसोमॉर्फिक दूसरे स्थान पर आता है तो 7 भी दूसरे स्थान पर खिसक जाएगा। अब 1 और 7 दो तो ये है, तो 7 दूसरे स्थान पर खिसक जाएगा तो अगल बगल क्या हो जाएगा, आगे पीछे 1 हो जाएगा, तो इसका सोमेटो टाइप क्या हो जाएगा, 171। अब पूछेगा कि एक्टोमॉर्फिक का सोमेटो टाइप स्केल क्या होगा, तो एक्टोमॉर्फिक तीसरे स्थान पर आता है तो इसका 7 भी तीसरे स्थान पर चला जाएगा और इधर 11 आ जाएगा, तो उसका सोमेटो टाइप क्या हो जाएगा, 11। बस 7 को 1, 2, 3 स्थान पर खिसकाते जाइए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि सोमेटो टाइप को कैसे मेजर किया जाता है। तो 1 से तात्पर्य आप समझ गए सबसे कम, और 7 से तात्पर्य सबसे अधिक। तो एग्जाम्पल में 171 का यदि स्कोर आता है, 171 का स्कोर आता है तो 1 से तात्पर्य लो होगा, तो 171 यानी कि पहले स्थान पर एंडोमॉर्फिक आता है। ठीक है, तो 1 से तात्पर्य तीन प्रकार का जो है एंडोमॉर्फिक मेसोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फिक वो सीरियल नंबर से ही रहेगा, तो 171 यानी कि पहला स्थान पर एंडोमॉर्फिक, फिर मेसोमॉर्फिक, फिर एंडोमॉर्फिक मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, तो 171 का स्कोर आता है। तो ए से प्रदर्शित होगा 1 से तात्पर्य तो सबसे कम यानी कि लो एंडोमॉर्फिक। ठीक है, 171 के 1 से तात्पर्य लो एंडोमॉर्फिक, एंड दूसरे स्थान पर 7 है तो हाई मेसोमॉर्फिक, और तीसरे स्थान पर क्या है, 1 है, 1 से तात्पर्य लो तो लो एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, तो 171 का स्कोर आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लो एंडोमॉर्फिक
और सेवन से तात्पर्य हाई मेसोमोर्फिक, यहाँ पे वन से तात्पर्य लो, तो लो एक्टोमोर्फिक, ठीक है। तो इस प्रकार हुआ वन सेवन वन, वन यानी लो, सेवन माने हाई, ठीक। तो वन पहले स्थान पर एंडोमोर्फिक आता है तो वन यानी लो एंडोमोर्फिक, दूसरे स्थान पर मेसोमोर्फिक आता है तो सेवन से तात्पर्य हाई यानी हाई मेसोमोर्फिक, तीसरे स्थान पर एक्टोमोर्फिक आता है तो वन से तात्पर्य लो यानी कि लो एक्टोमोर्फिक, इस प्रकार से हम कहेंगे। यानी कि वन सेवन वन क्या है, मेसोमोर्फिक टाइप का बॉडी को दर्शाता है। वन सेवन वन किसको दर्शाता है, मेसोमोर्फिक बॉडी टाइप को दर्शाता है, ठीक है। बस आप सीरियल बाई से उसको भी याद कर लीजिए, उसी के अनुसार सेवन को खिसकाते जाइए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का स्कोर यदि 2, 6, 3 हो जाता है तो वो क्या दर्शाएगा, वो यही दर्शाएगा कि 2 का मतलब हो जाएगा लो एंडोमोर्फिक और 6 का हाई मेसोमोर्फिक और 3 का तात्पर्य हो जाएगा लो एक्टोमोर्फिक। इस प्रकार के बॉडी टाइप के लिए के विधि को हम सोमेटो टाइप कहते हैं। इस प्रकार आपको सोमेटो टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और सेल्डन के सोमेटो टाइप चार्ट के आधार पर बॉडी बिल्डर के लिए उन्होंने 171 सोमेटो टाइप स्केल रखा है एंड फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए 475 एंड बास्केटबॉल के लिए 147 सोमेटो टाइप रखा है। तो इस प्रकार उपरोक्त तीनों प्रकार से तात्पर्य आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो दोस्तों ये था सिल्डन का बॉडी टाइप वर्गीकरण एंड उसके सोमेटो टाइप के बारे में पूर्ण रूप से मैंने समझाया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर से यानी इस टॉपिक से यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको मिस नहीं होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कितना समझ में आया और क्या कमी रह गई, इसको कमेंट में जरूर बताइए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं व्यक्तिक विभिन्नता एंड अधिगम एंड सीखने का पठार, सीखने के सिद्धांत, इन सब के बारे में बात करूंगी। तो दोस्तों यदि आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।